लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट जेड एंड डब्ल्यू बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट. क्या लिखा हुआ है कि जेड कॉन्जुगेट प्लस आयोटा डब्ल्यू कॉन्जुगेट इज जीरो, और साथ के साथ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इन टू डब्ल्यू इज गिवन एज पाई. देन वी हैव टू फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड. अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन है. आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ हम अप्लाई करेंगे. सबसे पहले देख लेते हैं कि z कॉन्जुगेट इज गिवन एज माइनस आयोटा w कॉन्जुगेट. तो अगर इसका भी मैं कॉन्जुगेट करूँ तो z माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट आयोटा w, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपने पास आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा w. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपने पास क्या बनेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w. आपको पता है कि आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी लॉग के जैसी होती है. आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर बी, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए इंटू बी इज आर्ग्यूमेंट ऑफ ए प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ बी. ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी. आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन जेड टू इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू. तो अब अगर हम देखें तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज पाई बाय टू प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्लू. और दूसरा वाला अगर रिलेशन देखें, ये तो पहला वाला रिलेशन है. दूसरा वाला रिलेशन है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डब्लू इज पाई. इट मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्लू इज पाई. अब अपने को क्वेश्चन में क्या निकालना था, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्लू पहले वाले से पुट कर दो. तो आप लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस पाई बाई टू इज पाई. टू टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू थ्री पाई बाई टू. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कम्स आउट टू बी थ्री पाई बाई फोर. कितना आया, थ्री पाई बाई फोर. ये एक ऑप्शन में अपने पास होगा थ्री पाई बाई फोर, वो अपने पास आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी यूज हो रही है. प्रॉपर्टी क्या है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन जेड टू इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू. ये अपने पास आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं.